तीन महीने का समा हो चलिया केंद्र सरकार वालों तीन खेती आर्डिनेंस बिल पार्लीमेंट और राज्यसभा में पास किए हुए जिसका विरोध पंजाब के किसानों समेत समुचे हिंदुस्तान वासी जिहड़े किसान ने वो कर रहे हैं और समुचे हिंदुस्तान के किसान सड़कों पर उतरे हुए और तकरीबन कई दिनों तो तकरीबन दो हफ्ते होने लगे दिल्ली के बार्डर चफेरे तो किसानों ने घेरिया हुआ और हज़ारा की गिणती में लोग दिल्ली के बॉर्डर पर जाके बैठे हुए कि संघ सरकार के कन्ना तक सरकार जी अन्नी ते बोली सरकार है वो कन्ना तक किसानों की आवाज़ जी है वो पहुँचाई है ताकि जेडे खेती बिल काले कानून पास किए हुए हैं ये खेती बिल जेडे वापस हो जाए ये रद्द हो जाए और हज़ारा की गिणती में संगत उपचिया हुई ने संप्रदाव वालों संस्थावों वालों और संगत के वालों देशों विदेशों को बहुत वही सेवा उत्थे बैठी हुई संगत से की जा रही है और जो उतों नोटिस में आया कि पखानिया की और इशनान करने वास्ते गर्म पानी की घाट बहुत महसूस की जा रही है सो संगत को भी बेनती की जाती है संस्थावान संप्रदावों बेनती की जाती है कि जिते आप होर लंगर दियाँ ज होर सेवावान संगत ने कर रहे हैं उत्थे बायो टॉयलेट्स और आरजी तौर पर गर्म पानी करने वास्ते बॉयलर का जरा प्रबंध किया जाए ताकि संगत को टॉयलेट जाने की बाथरूम जाने की इशनान कर किसी प्रकार की कोई मुश्किल ना आए क्योंकि वो जेडे हज़ारा लोग अपने परिवार समेत जाके बॉर्डर से बैठे हुए वो साडे साधे ने वो साडे अपने ने वो साडे परिवार ने और वो साडे करके साडे हक्कां दी खातर जाके दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते दिल्ली में घेर के बैठे हुए और साडा सब का यह फर्ज बनता है कि असी उत्थे बैठे हुए अपने वीरां दा जेल भी हो सकता है हर संभव सहयोग करके तो उन्होंने सारे असी साथ देईए और वध तों वध जो उत्थे लोड़ीदियां जो सहूलतां चाहीदियां ने वह उन्होंने मुहैया करवाउण दा आपां सारे यतन करिए धन वाहिगुरु साहब जीओ। आपां गल कीती सी किसान मोर्चे दी भी पहले पातशाह ने कहा भी किरत करो नाम जपो तो वंड के छको ये सिद्धांत किसानों ने अपनाया सिखा ने अपनाया पर यह भी सेंट्रियां सरकार दुख दा जी क्योंकि सेंट्रियां सरकार अपना जो हुक्म चलाना चाहदियां ने जो लोकतंत्र राज आ जी ये हुंदा आप इन्हां वोटां तां पाउणे आ जो लोकतंत्र आ तां कि लोग सुखी हो सकन लोगों सहूलत देने वोटां आपां तां ही पाईआं ने इन्हां नूं पर हुण अपनी मर्जी करन लग गया इन्हां दा सिखां दा इतिहास पढ़िया नहीं है जत्थेदार जस्सा सिंह आलूवालिया जत्थेदार जस्सा सिंह रामगढ़िया सरदार बघेल सिंह 1783 8 मार्च 1783 जो दिल्ली का लाल किला है जी उत्थे पहुँचे सन फौजा लैके सिंघां नूं लैके 8 मार्च 1783 इन्हां ने लाल किले के अंदर ही नड़ता सिंघां नूं जथियां नूं 9 मार्च 1783 जथिया जस्सा सिंह आलूवालिया जथिया जस्सा सिंह रामगढ़िया सरदार बघेल सिंह ने लाल किले पिछले पासे पाल लाता सीगा जो अज बसा पर लिखा ना मोरी गेट जी वो सिखां दा इस सिद्धांत आ जो लाल किले नूं पिछली पासे मोरी ला के ते 9 मार्च 1783 खालसे दा निशान चलाया सी दिल्ली दे विच खालसे ने दिल्ली 17 वारी फतेह की आ उस तो बाद जो मठियाई पुल वजदा जो सिखां ने खालसे दा निशान चढ़ाता लाल किले उपर तां उत्थे मठियाई बंडी सी उहदा नौ मठियाई पुल पै गया सानूं याद नहीं आया
इस तरह जिन्हों 30,000 कहते समय सरकार सिखा 1 रुपये बच्चों 37 पैसे टैक्स सिखा दें सन। जस्सा सिंह आलूवालिया 30,000 फौज लैके पहुँचे दिल्ली में, वो 30,000 जिते अज हाई कोर्ट बनया हो जी सुना दी सी पढ़िया, पर अज तक ना मोदी ने पढ़िया सुना दे। 17 बारी सिखा ने फतेह की दिल्ली, तो अज भी फतेह नेड़े हो रहे जी काम। देखो सरकार ने कानून तो पहला होर स्टेटा में लागू किए पर उत्थे कामयाब हो गए, जो पंजाब में हाथ पाया सिखा ने फिर पुराना इतिहास अपना दरहाता। अज सारी दिल्ली धरने ला के सिखा ने अज ये चीज़ साबित करती, 250 साल पुराना इतिहास दुबारा दरहा दिता सिखा ने। दस दी यह बेनती है भी 8 दसंबर जो साढ़े किसान भरावां वालों भारत बंद असर दिता गया तो सानू इस वे शामिल हो के ते किसानां साथ देना चाहिए। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਂਗਰਾ ਪਛਾਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਕ ਪਲਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਉਸ ਗਾਏ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਖਾਏ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਪਰ ਡਾਕੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਆਹ ਦੂਜਿਆਂ ਡੱਕ ਹੱਕਾਂ ਪਰ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਹਲ ਬਹਿਕ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 1710 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈਆਂ। 1710 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, 1798 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 1801 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠਿਆ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈਆਂ। 1801 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 39 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ